सवाले। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये प्रश्न अन्न सुरक्षा मिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि सरकार एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम भारत में कीट प्रबंधन दृष्टिकोण का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण के माध्यम से समेकित कीट प्रबंधन की रणनीति को लोकप्रिय बना रही है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने भारत में 67 कीटनाशकों के उपयोग की अनुमति दी है। 5-6 सालों से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अन्य कई प्रकार की कीटक अभी ये फसलों पर आक्रमण कर रही है। मेरा निवेदन है कि सरकार ए 67 कीटनाशकों से जो प्रभावहीन हुए हैं उनको बंद करना चाहिए और जो नए कीटनाशक अभी रिसर्च हुए हैं उसको अनुमति देना चाहिए और रणनीति अच्छे प्रभावी ढंग से बनाने के लिए, निगरानी के लिए मैं आपके माध्यम से मंत्री से पूछना चाहता हूं कि ये समिति जो बनाएंगे आप, ये जिला स्तर पर अगर संसदों की अध्यक्षता में बन जाए तो ये निगरानी अच्छी रहेगी। क्या आप ये संसदों की समिति बना सकते हैं? इससे एक बात साफ है कि जो पेस्टिसाइड को इजाजत दी है इसकी जांच एक बार की जाती है, ऐसी परिस्थिति नहीं है। हर साल एक दो बार अलग अलग जगह पर सैंपल लेकर इसका इफेक्ट क्या है इस पर हमेशा ध्यान दिया जाता है। अपने देश में सभी राज्यों में स्पेशल लैबोरेटरीज भारत सरकार ने खड़ी की है और इन लैबोरेटरीज में अलग अलग जगह पर जाकर सैंपल से लेके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट हो वहां से जो कृषि माल आता है इसका सैंपल लेकर ये पेस्टिसाइड का असर क्या है, कहां तक है, इसके बारे में जांच की जाती है और जब यह पता लगता है कि किसी का नुकसान होता है तो उसको रोक देते हैं। जब किसी पता लगता है कि इसकी उपयुक्तता भी खत्म हुई है फिर भी रोक देते हैं और जो कोई नया प्रस्ताव आता है वो स्टडी करने के बाद वो फायदे का हो, इसका बुरा कोई असर नहीं हो तो उसको क्लियरेंस दिया जाता है।